वेलकम एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी यूनिट 3 कवर कर रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सिलेबस देख लेंगे। इसमें पॉइंटर्स है, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस है, फाइल हैंडलिंग है और एक छोटा सा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लास्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे? पॉइंटर्स के बारे में। पूरा पॉइंटर्स इस लेक्चर में कवर होगा जिसमें होंगे उसके बेसिक्स, अरिथमेटिक्स, पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स मतलब डबल पॉइंटर्स, जेनेरिक पॉइंटर्स, यूजिंग पॉइंटर्स विद एरेस एंड यूजिंग पॉइंटर्स विद फंक्शंस। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, शायद हम आगे एरेस, इफ, फॉर ये भी यूज कर सकते हैं जो यूनिट 2 का पार्ट था। अगर आपको नहीं पता तो एक बार जाके वो देख लेना। वो देखने का टाइम नहीं है तो एक बार खाली उसके नोट्स से गो थ्रू कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके नोट्स भी बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। वरना आप इसी लेक्चर के साथ आगे जा सकते हैं। जो चीज़ आपको यूनिट 2 की लगे नहीं समझ आई वो जाके आप खाली वो देख लेना। इस लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यूनिट 2 का बहुत माइनर पार्ट होगा। नहीं समझ आए तो खाली वो भी कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंटर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है? मतलब जो प्राइमरी डेटा टाइप जैसे इंट, फ्लोट, कैर इन सबको यूज करके बनते हैं वो होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। और पॉइंटर हमारा एक डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। इट इज क्रिएटेड विद एस्ट्रिक ऑपरेटर्स। एस्ट्रिक ऑपरेटर्स के वजह से फॉर्म होता है सिंपल। कई बार पॉइंटर्स यूज भी हम एस्ट्रिक ऑपरेटर्स की वजह से करते हैं, कैसे वो हम आगे देखेंगे। इट इज यूज टू शो द एड्रेस ऑफ द सी वेरिएबल और मेमोरी लोकेशन। जो भी एक वेरिएबल है उसका एड्रेस शो करने के पॉइंटर्स काम आता है। मेन पॉइंटर्स की लाइन ही ये है कि वो किसी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। अब अगर आप किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं तो आप जो पॉइंटर्स आएंगे उसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। किसी कैरेक्टर डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं किसी पॉइंटर में तो उस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होगा? कैरेक्टर, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा हो गया। अभी देखते हैं कि पॉइंटर्स का असली मीनिंग क्या है, मतलब कहाँ उसका यूज केस क्या है। देखो, ये एक वेरिएबल मैंने बनाया आई नाम का जिसके मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा 3। तो उसका जो भी मेमोरी लोकेशन होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, वो मान लेते हैं ये, तो पॉइंटर्स के अंदर ये स्टोर होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आई एक इंटीजर डेटा टाइप का है इसके अंदर मैं वैल्यू 3 स्टोर करा रहा हूँ, इसलिए ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है आई। तो जो जिस पॉइंटर के अंदर मैं इसका ये मेमोरी स्टोर कराऊंगा, मेमोरी एड्रेस, वो पॉइंटर किस टाइप का होगा? इंटीजर, ठीक है। और इस मेमोरी एड्रेस की मदद से मैं इस वैल्यू को एक्सेस भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, इसलिए पॉइंटर्स काम आते हैं, काफ़ी जगह काम आते हैं। हम आगे देखेंगे एक एक करके। अब देखते हैं सबसे पहले इसका सिंटेक्स। पहले डेटा टाइप, फिर एस्ट्रिक जैसे हमने पढ़ा कि इसकी मदद से हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, फिर पॉइंटर का नाम। अब जनरली आप कहीं भी बुक में पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे तो पॉइंटर्स के नाम में पहले PTR दिया होगा, PTR 1, 2 ऐसे करके हम पॉइंटर्स के नाम देते हैं। बट ये खाली उसका नाम है, इसलिए कोई भी आप वेरिएबल नेम ले लोगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। PTR इज़ द नेम ऑफ द पॉइंटर एंड डेटा टाइप इज़ द टाइप ऑफ डेटा इट इज़ पॉइंटिंग टू। मतलब अगर आप किसी इंटीजर टाइप का वैल्यू एड्रेस शो करा रहे हैं तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या आएगी? इंटीजर। कैरेक्टर का करा रहे हैं तो कैरेक्टर, फ्लोट का करा रहे हैं तो फ्लोट। नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। ये देखो, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है हैशटैग इंक्लूड std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज़ करने के लिए। void main है, इससे रिटर्न नहीं हो रहा है। और मेन फंक्शन से जहाँ से कंपाइलर हमारा प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 की बात थी, नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस पेपर में नहीं आएगा, टेंशन ना लो। फिर इंटीजर a = 5, ये मैंने एक इंटीजर बनाया a वेरिएबल नाम का, वेरिएबल बनाया a नाम का जिसकी टाइप है इंटीजर और इसके अंदर मैं वैल्यू शो करा रहा हूँ 5, ठीक है। फिर ये मैंने एक पॉइंटर बनाया abcd नाम का। ये मैंने खाली ABCD इसलिए लिया है, मैं यहाँ पे पॉइंटर लिखा था पहले, ABCD इसलिए करी ताकि आपको पता चले कि PTR लिखना ज़रूरी नहीं होता, वो ताकि हमें ईजी रहे समझने में कि वो पॉइंटर है वेरिएबल, इसलिए हम PTR लिखते हैं। वरना आप कोई भी नाम दोगे तो वो अगर उसके आप ऐसे डिक्लेयर करो एस्ट्रिक लगा के तो पॉइंटर की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अब इंट लिखा मैंने, मतलब उसका डेटा टाइप, क्योंकि मैं A का एड्रेस शो कराऊंगा और वो एक इंटीजर है तो मैं डेटा टाइप भी इंटीजर ली इंट। फिर एस्ट्रिक लगाया, मतलब मैं पॉइंटर्स बनाना चाह रहा हूँ और उस पॉइंटर का नाम मैंने दिया ABCD। अब इस ABCD पॉइंटर में मैंने एंड ए लिख दिया। एंड ए क्या करता है आपको पता होना चाहिए। ए जो है एक वेरिएबल, इसके आगे अगर मैं एंड लगा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एड्रेस, इसका मेमोरी एड्रेस, जहाँ पे भी ए में जो भी वैल्यू स्टोर कर रहा है, जहाँ भी स्टोर कर रहा है उसका मेमोरी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, जो चला जाएगा ABCD पॉइंटर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। एंड से इसका एड्रेस आया जो कि इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं 3 चीज़ें प्रिंट करा रहा हूँ। क्या प्रिंट करा रहा हूँ? पहले तो ए, मतलब ए में वेरिएबल में जो मेरी वैल्यू स्टोर है वो, फिर ABCD पॉइंटर, पॉइंटर्स के अंदर जो मेरी वैल्यू स्टोर है वो, फिर एस्ट्रिक ABCD। ये एस्ट्रिक ABCD क्या करता है ये हम देखेंगे। पहले एक बार ये देखो कि जो मैं ए को मैं जब प्रिंट करा दूँ मैं %d यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो इंटीजर है ऑब्वियसली। जब मैं ABCD प्रिंट करा दूँ मैं %u यूज़ कर रहा हूँ। u आपको बस पता होगा अनसाइंड इंट के लिए यूज़ होता है, बट मैं u के यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं d यूज़ करूँगा तो पहली बार नेगेटिव आ जाएगा। आगे हमने अर्थमेटिक भी पढ़ना, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए हम d यूज़ नहीं कर रहे। और आप यहाँ पे ना p भी यूज़ कर सकते हो। p से आप जो पॉइंटर्स के अंदर वैल्यू शो होती है वो प्रिंट करा सकते हो, बट फिर वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में आएगा जो हमें कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे यू यूज़ करेंगे। मैं आपको पी के थ्रू एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये एस्ट्रिक ABCD क्या कर रहा है ये समझने के लिए एक बार प्रोग्राम पहले रन करते हैं। देखो, ये ए में जब भी प्रिंट होगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 5। फिर ABCD के अंदर हम क्या शो कराया? इस ए का एड्रेस जो कि यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो रही है। अब नीचे भी 5 प्रिंट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? अगर आप एस्ट्रिक लगाने के बाद एक मेमोरी एड्रेस लगाएंगे आगे, तो उस एस्ट्रिक लगाने के बाद एक पॉइंटर होगा या कोई मेमोरी एड्रेस लिखा होगा, तो वो उस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको टारगेट करता है। इस ABCD में क्या वैल्यू स्टोर है, ये मेमोरी एड्रेस। इसके पहले मैंने अगर एस्ट्रिक लगा दिया तो ये क्या, उस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको टारगेट करेगा। कैसे, ये देखो हमने देखा था अभी यहीं पे, ये मेमोरी एड्रेस है, इसके अगर मैं एस्ट्रिक लगा दूंगा तो इस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है ये उसको टारगेट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस मेमोरी एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, 5। इसके पहले मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लगा के प्रिंट किया, एस्ट्रिक लगा के प्रिंट किया तो ये किसको टारगेट करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक बार आपको P भी लिख के दिखा देता हूँ कि P से भी आप पॉइंटर्स को प्रिंट करा सकते हैं, बट फिर वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में आएगा, जो हमें आगे अर्थमेटिक पढ़ने में दिक्कत करेगा, इसलिए हम यू कर रहे हैं यूज। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में आया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आगे बढ़ते हैं। हमने सिंटेक्स भी देख लिया। अच्छा, फिर से बता रहा हूँ, क्लियर हो गया ना, PTR लिखना जरूरी नहीं है, बट ये क्या बोलते हैं वे है लिखने का कि हम हमेशा पॉइंटर को PTR लिखते हैं, PTR 1 2 ऐसे ही नेम देते हैं, वरना हम कुछ भी दे सकते हो जो कि एक वेरिएबल नेम हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल दे रखा है, मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल, इसका नाम है वैग, जिसकी मैं अंदर वैल्यू शो करा रहा हूँ 10, फिर एक पॉइंटर्स बनाया PTR नाम का, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, क्योंकि मैंने ये वैर से उसको एड्रेस शो कराना है, वैर का PTR में वैर का एड्रेस शो करा दिया, और फिर से मैं वही 3 चीज़ें प्रिंट करा जो मैं आपको भी दिखा के आया हूँ। पहले PTR की वैल्यू, फिर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो, फिर #PTR से जो इसमें मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो। कैसे, इसको आप ऐसे विजुलाइज करेंगे हमेशा कि वैर एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है 10, इसका ये मेमोरी एड्रेस है। तो जब मैंने ये पॉइंटर बनाया ना PTR नाम का, तो ये PTR नाम के वेरिएबल में एक पॉइंटर बन गया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई इसकी वैल्यू कैसे स्टोर हो गई, ये इस लाइन की मदद से PTR = &var लिखा ना, &var मतलब वैर का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, ये एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो गया। और ये क्या है, ये इस पॉइंटर का एड्रेस है, इसकी क्या यूज है, कैसे यूज किया, हम डबल पॉइंटर्स में समझेंगे। अब इतना समझ लो कि पॉइंटर्स के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जिस वेरिएबल के साथ आपने इसको क्रिएट किया है उसका एड्रेस। ठीक है, ये मैंने 3 चीज़ प्रिंट हो रही है, ये पहले पॉइंटर्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है मतलब इसका एड्रेस, फिर वैर के अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी 10, और #PTR से इस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू है 10 वो प्रिंट हो रही है दोबारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ पॉइंटर इन C, थोड़ी ये बात ध्यान देने वाली है कि जैसे हम देखते हैं कैर का साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है, फुल इंटीजर का 4 बाइट्स होता है। ठीक है, बट पॉइंटर्स का क्या साइज होता है, पॉइंटर्स का साइज चाहे कैर का हो, डेटा टाइप का हो, चाहे इंटीजर डेटा टाइप का हो, चाहे फ्लोट डेटा टाइप का हो, उसका डेटा टाइप हर कंप्यूटर में फिक्स होता है। मतलब अगर मेरा 64 बिट का सिस्टम है तो मैं पॉइंटर्स बनाऊंगा तो उसके अंदर 8 बाइट का पॉइंटर बनेगा, और 32 बिट का सिस्टम है तो उसके अंदर 4 बाइट का पॉइंटर बनेगा। चाहे मैं उसको कैरेट टाइप में बनाऊं, चाहे इंटीजर टाइप में बनाऊं, चाहे किसी भी डेटा टाइप में बनाऊं, वो कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंड करता है, ना कि कौन सा डेटा टाइप है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो स्टोर तो एट द एंड मेमोरी एड्रेस ही कर रहा है ना, वो मेमोरी एड्रेस जैसे हमने यहाँ पे देखा इस हेक्साडेसिमल फॉर्म में, तो चाहे वो कैरेक्टर का हो, चाहे फिर फ्लोट का हो, चाहे इंटीजर का हो, रहेगा तो इसी फॉर्म में, उसका साइज भी वही रहता है जो हर जगह जिसकी भी डेटा टाइप का रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, दोबारा समझो। हमारा पॉइंटर्स का डेटा टाइप फिक्स रहता है, वो डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, सिंपल सीधी बात है। समझ गए होंगे क्यों यहाँ पे लिखा है, क्या यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको मेन बात समझा दी। आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर्स अर्थमेटिक इन C, हम 3 तरह के अर्थमेटिक पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंटर्स, सब्ट्रैक्टिंग 2 पॉइंटर्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर में, When a pointer is incremented or decremented, it is actually incremented or decremented by the number equal to the size of the data for which it is pointer. बहुत theoretical language होगी, नहीं समझ आया क्या हुआ, देखो पहले इस फिगर के थ्रू समझते हैं, फिर एग्जाम्पल पर जाएंगे। मान लो ये पॉइंटर है जिसके अंदर ये 1000 एड्रेस स्टोर है। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा पॉइंटर ++, आपको पता है ना +1 करते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा, क्या 1001 बन जाएगा, नहीं 1001 नहीं बनेगा, क्योंकि मान लेते हैं ये इंटीजर का डेटा टाइप था और +1 किया मैंने। इंटीजर का क्या साइज होता है, 4 बाइट्स हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि इंटीजर का हमने पढ़ रखा है कि इंटीजर का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है, कैरेक्टर का 1 बाइट होता है। तो अगर एक पॉइंटर है जिसके अंदर मैं एड्रेस शो कर रखा है 1000, उसके अंदर मैं ++ करूँगा, ++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जिसका मतलब होता है +1, वो +1 क्या करेगा, इसके अंदर 4 बाइट्स ऐड कर देगा। क्यों, क्योंकि एक इंटीजर का डेटा पॉइंटर था और एक इंटीजर का पॉइंटर में अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो वो 4 बाइट्स ऐड करेगा उसके अंदर, तो नया एड्रेस हो जाएगा 1004। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल के थ्रू समझते दोबारा। ये देखो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। मैंने एक वेरिएबल लिया नम नाम का जिसकी टाइप इंटीजर है, जिसके अंदर मैं वैल्यू 5 शो करा रहा हूँ। फिर मैंने एक पॉइंटर बनाया इंटीजर नाम का, पॉइंटर कैसे बनाया एस्ट्रिक लगा के आपको पता होगा। फिर उसके अंदर मैंने इसका एड्रेस डाल दिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पॉइंटर में जो भी एड्रेस हो रहा है वो प्रिंट कराया, फिर मैंने प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया और मैं फिर से इसको प्रिंट करा रहा हूँ। अब जब मैंने ये दो प्रिंट किए तो देखो क्या फ़र्क आया, पहले ये एड्रेस था इसमें +4 हो गया जब मैंने दोबारा प्रिंट कराया प्लस प्लस करने के बाद। इस प्लस प्लस का क्या मतलब है, PTR इक्वल्स टू PTR +1, इसका ये मतलब है उसमें एक ऐड हो रहा है। अब जब ऐड इसमें एक हो रहा है बट यहाँ पे वैल्यू 4 से बढ़ रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर डेटा टाइप का पॉइंटर है और इंटीजर की साइज क्या होता है 4 बाइट्स, इसलिए यहाँ पे 4 बाइट्स बढ़ जाएंगी और हमारा नया जो पॉइंटर में एड्रेस स्टोर हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा। समझ आया? आपको एक बार कैर लेके भी दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। कैर 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 आपको पता है ना, कैरेक्टर डेटा टाइप होती है, ठीक है। यू ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, रन करते हैं। अब देखो जब हमारा ये कैरेक्टर प्रिंट हुआ है तो सिर्फ एक ही प्लस हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि कैरेक्टर का साइज क्या होता है 1 बाइट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। कैरेक्टर टाइप 1 बाइट था और मैंने 1 ही प्लस कराया है, इसलिए 5 के यहाँ पे सीधा सिर्फ एक 6 का फर्क आया। यही अगर जब इंटीजर था तो हमने देखा 4 प्लस हो रहा था, क्योंकि 1 प्लस कराना मतलब एक इंटीजर साइज जितने वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं पॉइंटर्स में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम ये चीज़ डिक्रीमेंट में भी है, ये मैं आपको करके दिखाया तो PTR -- रन। अब एक वैल्यू कम आ जाएगी बस। एक वैल्यू क्यों कम आएगी? क्योंकि कैर है, ये इंटीजर होता तो कितनी वैल्यू कम आती, 4 वैल्यू कम आती, ठीक है। ये हो गया उसका अर्थमेटिक। अब आगे बढ़ते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स टू अ पॉइंटर। ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट। अगर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ आया तो ये भी सेम ही पार्ट है बिल्कुल। देखो ये देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का सेम वही है। मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, इंटीजर डेटा टाइप है 5, उसमें वैल्यू है, पॉइंटर बनाया इंटीजर का, उसका एड्रेस नम का एड्रेस पॉइंटर में डाल दिया। मैं पहले पॉइंटर प्रिंट करा रहा हूँ, उसमें +1 कर रहा हूँ, फिर दोबारा पॉइंटर प्रिंट करा रहा हूँ तो देखो +4 हो रहा है। यही एडिशन भी है। एडिशन मतलब इंक्रीमेंट में हम प्लस प्लस कर रहे थे, इसमें हम प्लस जितना मर्जी कर सकते हैं। मान लो मैं +5 कर देता हूँ। अब पॉइंटर में मैं 5 प्लस कर रहा हूँ। इस += का मतलब पता ना क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। इस += का मतलब है पॉइंटर +5। इसको मैं इसमें ऐसे भी ले सकता हूँ, ये आपको पता होगा, मैं फिर भी एक बार बता दिए। अभी क्या हो रहा है +5 की मदद से, देखो जब मैं इसको रन करूँगा तो जो भी पहला मेमोरी एड्रेस होगा +20 होगा उसमें। जैसे 76 था तो +96 हो गया। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर का साइज 4 बाइट्स होता है, उसके अंदर मैंने 5 ऐड किए हैं, मतलब 5 × 4। एक का साइज 4 होगा, 5 बार ऐड हो रहा है मतलब 20 उसमें ऐड हो जाएगा। ये देखो ये फिगर यहाँ पर ड्राइंग भी बनी हुई है कि मान लो एड्रेस पहले 1000 स्टोर था, मैंने उसके अंदर +5 कराया, तो क्योंकि इंटीजर्स का वाला पॉइंटर है इसलिए 5 × 4 20 इसमें ऐड हो जाएगा, 1029 एड्रेस हो जाएगा। सेम सब्ट्रैक्शन के केस में -5 कराया होता तो 980 हो जाता। बहुत सिंपल कंसेप्ट है पॉइंटर्स का, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सब्ट्रैक्टिंग 2 पॉइंटर्स ऑफ द सेम टाइप। 2 पॉइंटर्स में आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सेम टाइप के होंगे तभी हो पाएगा। अब कैसे होगा वो देखते हैं। पॉइंटर मान लो मैंने 1 लिया जिसके अंदर एड्रेस ये स्टोर हो रहा है जो कि एक इंटीजर का पॉइंटर है, फिर मैंने पॉइंटर 2 लिया जिसके अंदर ये एड्रेस स्टोर है, ये भी एक इंटीजर का पॉइंटर है। मैं क्या बोलते हैं सूडो कोड लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम नहीं है कि ऐसे लिखोगे चलेगा नहीं, मैं समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। जब मैं PTR 1 - PTR 2 कर रहा हूँ मतलब पॉइंटर 1 - पॉइंटर 2 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 इज 1। वैसा क्यों? ये देखो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो 4 बचेगा, क्योंकि इंटीजर का डेटा टाइप है तो 4 बाइट्स का मतलब 1 इंटीजर, तो यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे कैर का होता और यही साइज होता मतलब यही एड्रेस होता तो 4 ही आता, क्योंकि उसका साइज 1 बाइट्स होता है। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक के बाद का। डबल पॉइंटर्स मतलब पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स कह लो, डबल पॉइंटर्स कह लो, एक ही बात होती है। डेफिनेशन: द पॉइंटर टू अ पॉइंटर इज अ सी इन सी इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू शो द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। एक पॉइंटर का एड्रेस हम दूसरे पॉइंटर में शो कराते हैं, उसको पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है यहाँ पे, बट अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं है। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप ऑफ अ पॉइंटर, फिर डबल एस्ट्रिक, नेम ऑफ द वेरिएबल, जो पॉइंटर्स का नेम आप वेरिएबल फॉर्म में देना चाहे वो, एंड लगा के नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल। क्लियर हुआ सिंटेक्स? यहाँ पे बेसिकली सिंटेक्स ही एक तरीका। इनिशियलाइजेशन: मैंने एक वैल नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू 5 स्टोर कराई, फिर मैंने एक ptnm का पॉइंटर लिया जिसके अंदर मैं वैल्यू इसका एड्रेस स्टोर करा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक डबल पॉइंटर बना रहा हूँ dptr नाम का, जिसके अंदर मैंने डबल एस्ट्रिक लगाया, मतलब ये डबल पॉइंटर है जिसके अंदर मैं इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करा रहा हूँ। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया, कोई बात नहीं है। देखो ये देखो इसके फॉर्म में समझते हैं। पहले मैंने एक वेरिएबल लिया आई नाम का जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई 3, जिसका मेमोरी एड्रेस था ये, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने एक जे नाम का पॉइंटर लिया, देखो यहाँ पे ये कोड नहीं है पूरा, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ खाली। इससे एस्ट्रिक जे से मैंने पॉइंटर बनाया था, तो ये पॉइंटर्स के अंदर ये मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा, हमने पढ़ा ही अभी, ये मेमोरी एड्रेस स्टोर हो गया। और ये जो एड्रेस मेमोरी एड्रेस है ना, ये इस जे पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी एड्रेस कहाँ मैंने शो कराऊंगा, मैं इस डबल पॉइंटर के अंदर ये मेमोरी एड्रेस स्टोर करा दिया। ठीक है, समझ आया। पहले एक वेरिएबल था, उसकी एक वैल्यू थी, उसका एक मेमोरी एड्रेस था। ये मेमोरी एड्रेस मैंने एक पॉइंटर जे में स्टोर कराया, ये मेमोरी एड्रेस ये वाला यहाँ स्टोर हो रहा है, और इस जे का जो ये जो पूरा जे है जिसके अंदर ये वैल्यू है, इसका मेमोरी एड्रेस ये है, जो कि मैं अब के में स्टोर कराऊंगा, क्योंकि के एक डबल पॉइंटर है तो वो इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकता है। जो ये मेमोरी एड्रेस यहाँ पे आके स्टोर हो गया, और ये जो है ये के का मेमोरी एड्रेस है। इससे आप ट्रिपल पॉइंटर बना सकते हो, बट वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। द पॉइंटर टू अ पॉइंटर डबल पॉइंटर इन सी इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। इस पॉइंटर का जो एड्रेस मुझे स्टोर करना था, इसलिए मैंने डबल पॉइंटर बनाया और उसके अंदर स्टोर कर लिया। सिंपल। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। डबल पॉइंटर, ये मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर वैल्यू 5 स्टोर कराई, एक पॉइंटर बनाया जिसके अंदर उसका एड्रेस स्टोर कर दिया मैंने ptr नाम का। फिर dptr नाम का डबल पॉइंटर बनाया जिसके अंदर मैंने पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं पॉइंटर एस्ट्रिक ptr यूज़ कर रहा हूँ। एस्ट्रिक ptr से ये जो 5 वैल्यू है ये इसको टारगेट करेगा, क्योंकि ptr में इसका एड्रेस स्टोर है और एस्ट्रिक से उस एड्रेस की वैल्यू को टारगेट होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 5 प्रिंट आ गया। फिर मैंने ptr प्रिंट कराया। ptr मतलब उस ptr में जो वैल्यू है, मतलब 5 का एड्रेस, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर मैंने एस्ट्रिक dptr लगाया। एस्ट्रिक dptr का मतलब डबल पॉइंटर में जो एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी यही आया। ये कैसे आया, ये देखो दोबारा इसके थ्रू समझते हैं। देखो, जब मैंने j प्रिंट कराया तो ये मुझे इसकी वैल्यू मिली जो कि था इसका एड्रेस। जब मैं एस्ट्रिक k प्रिंट करूंगा तो एस्ट्रिक k का मतलब ये एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको टारगेट करो। इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है। ठीक है, ये सेम यहाँ पे हुआ है। जब मैंने एस्ट्रिक ये सेम यहाँ पे हुआ है। जब मैंने एस्ट्रिक dptr लगाया तो पॉइंटर्स के अंदर जो वैल्यू थी, मतलब जो 5 का एड्रेस था ना पॉइंटर के अंदर, उसको टारगेट किया और वो प्रिंट हो गया। और जब मैं सिर्फ ptr प्रिंट कर रहा हूँ तो ptr के अंदर वैल्यू ही उसका मेमोरी एड्रेस है, तो फिर वो प्रिंट हो रहा है। डबल पॉइंटर्स यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कन्फ्यूजन आ रही है तो जितना इस फिगर को, इस फोटो को बार बार देखो, आप समझ आओगे क्या हो रहा है। एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू है, उसका एक मेमोरी एड्रेस है। फिर एक पॉइंटर है जिसके अंदर उस मेमोरी एड्रेस ही उसकी वैल्यू है और उसका एक अपना मेमोरी एड्रेस है। फिर एक डबल पॉइंटर है जिसका ये जो मेमोरी एड्रेस है ये इसकी वैल्यू है और इसका अपना भी एक मेमोरी एड्रेस है। एक ये लूप टाइप में चल रहा है, आप फोकस करोगे तो समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। जेनरिक पॉइंटर्स। जेनरिक पॉइंटर्स मतलब वॉइड पॉइंटर्स, एक ही बात होती है। जब आपको डेटा टाइप ना बताओ किस डेटा टाइप का पॉइंटर्स आपको बनाना है, तो आप एक जेनरिक पॉइंटर बना देते हो जिसके अंदर कोई भी डेटा टाइप का पॉइंट, जिसको आप किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का पॉइंटर्स बना सकते हो। सिंपल सीधा कंसेप्ट है। जब आपको डेटा टाइप ना पता हो किस डेटा टाइप का पॉइंटर बनाना है, तो आप एक जेनरिक पॉइंटर बना देते हो जो एक वॉइड पॉइंटर होता है, तो कोई भी डेटा टाइप का वो पॉइंटर बन सकता है। ठीक है, इट इज़ अ पॉइंटर दैट हैज़ नो एसोसिएटेड डेटा टाइप विद इट, इट होल्ड्स ऑन एड्रेस ऑफ एनी टाइप। किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस ही होल्ड कर सकता है। कैसे, मैंने प्रोग्राम बनाया। यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू है 10, और बी नाम का कैरेक्टर लिया जिसकी डेटा टाइप लिया, बी नाम का वेरिएबल है जिसका डेटा कैरेक्टर है जिसके अंदर वैल्यू है x। पहले मैं क्या किया, ये वॉइड पॉइंटर बनाया, वॉइड एस्ट्रिक से वॉइड पॉइंटर बना, मतलब जेनरिक पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर जेनरिक पॉइंटर है जिसके अंदर मैंने एक एड्रेस स्टोर कराया। अब यहाँ पे ये एक इंटीजर डेटा टाइप है, बट ये वॉइड पॉइंटर में भी स्टोर हो गया है। ठीक है, फिर मैंने उसी पी में बी का एड्रेस स्टोर कराया। पुराना वाला जो एड्रेस था वो हट जाएगा, अब ये बी का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। बट ये बात देखने वाली है कि पहले वो इंटीजर का भी मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा था, अब वो कैरेक्टर का भी स्टोर कर रहा है। समझ आया, क्योंकि ये वॉइड पॉइंटर मतलब जेनरिक पॉइंटर है, तो ये किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकता है। बस यही होता है जेनरिक पॉइंटर, और कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग पॉइंटर्स विद एरेज। बहुत ईजी कंसेप्ट है कि एरेज में पॉइंटर्स कैसे यूज़ करेंगे आप, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार। एक इंटीजर है एन नाम का, इसके अंदर वैल्यू 5 है, और ये एरे है जिसकी ये वैल्यूज है। एक पॉइंटर बनाया, उस पॉइंटर के अंदर मैंने इस एरे का एड्रेस डाल दिया। एंड एरे लिखने से क्या होगा, अभी इसका अलग, 1 का अलग एड्रेस होगा, 2 का अलग एड्रेस होगा, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग। इस एंड एड्रेस एंड एरे लिखने से कौन सा एड्रेस इसके अंदर गया, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जैसे यहाँ पे 1 है तो इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो पीटीआर में चला जाएगा। अगर मैं एंड एरे ब्रैकेट लगा के 0 लिखता तो वो भी चला जाता, मतलब तब भी फर्स्ट एलिमेंट का जाता, ऐसे भी फर्स्ट एलिमेंट का ही जा रहा है। ठीक है, फिर एक फॉर लूप चलाया मैंने, इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, एस्ट्रिक पीटीआर। एस्ट्रिक पीटीआर मतलब जो भी पीटीआर के अंदर एड्रेस होगा उसके एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले इसके अंदर 1 का एड्रेस स्टोर था, एस्ट्रिक लगाया तो उसने 1 को टारगेट किया और 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर मैंने पीटीआर प्लस प्लस किया, पीटीआर प्लस प्लस आपको पता है क्या होगा, पीटीआर प्लस प्लस से उसके अंदर 4 बाइट्स का एड्रेस इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप का एरे है, सिंपल। अब आपको पता है कि एरे में कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर होती है। मान लो ये 100 पे स्टोर था तो अगली वैल्यू 1104 पे स्टोर होती है, फिर अगली वैल्यू 108 पे, क्यों, क्योंकि इंटीजर का है प्लस 4 के उसमें वैल्यू स्टोर होती है। तो ऐसे जब मैंने पीटीआर प्लस प्लस किया तो एड्रेस में भी +4 हो गया, फिर जब मैंने दोबारा टारगेट किया तो अगली वैल्यू को टारगेट हो गया 2। बहुत सिंपल है ये, देखो दोबारा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। डबल पॉइंटर्स, पॉइंटर्स एंड एरेस, ये मैंने अब जैसे वहाँ पे खाली एरे का डाला था, यहाँ पे मैंने उसके फर्स्ट एलिमेंट का ही डाल दिया। वही सेम फॉर लूप चला रहा हूँ और 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। अब इसमें आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ मैं कि ptr इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू अगर मैं 2 करूँगा तो देखना आप क्या, 2 करूँगा तो मैं इसको भी 2 कर देता हूँ। अब प्रिंट होगा 1 और 3, खाली 1 और 3 प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि पहले पॉइंटर्स के अंदर 1 का एड्रेस स्टोर हुआ, तो यहाँ इसकी मदद से मैं 1 का एड्रेस पॉइंट पीटीआर के अंदर स्टोर कराया, फिर एस्ट्रिक की मदद से मैंने उसको टारगेट किया, उसके अंदर क्या वैल्यू थी 1, ये प्रिंट हो गई। फिर पीटीआर +2 हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन में पढ़ा ही, +2 क्या करेगा, उसके अंदर 8 बाइट्स इंक्रीज कर देगा और 8 बाइट्स पर किसका एड्रेस होगा, 4 बाइट्स के बाद 2 का था तो 8 बाइट्स के बाद 3 का होगा, इसलिए 3 प्रिंट हो गया। सिंपल, ये हम एरे के अंदर ऐसे यूज़ करते हैं। यूजिंग पॉइंटर्स विद फंक्शंस, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि फंक्शंस में पॉइंटर्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर पहले मैंने स्वैप नाम का फंक्शन बना रखा है, जिसके अंदर मैं एक पॉइंटर्स की फॉर्म में ए और बी ले रहा हूँ, एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी लगा रखे ना, मतलब पॉइंटर्स की फॉर्म में आएंगे, मतलब यहाँ पे मेमोरी एड्रेस पास होगा इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, तब जाके यहाँ पे ये पॉइंटर्स की फॉर्म में स्टोर हो पाएगा। समझ आया ना, एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी का मतलब है जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो मैं जो चीज़ पास करूँगा वो वेरिएबल्स नहीं होंगे, वो मेमोरी एड्रेस होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंपल सीधा प्रोग्राम है तो उनकी वैल्यू स्वैप करने का, आपको पहले भी शायद आपने पढ़ा हो, मैं फिर बता देता हूँ। टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर ए की वैल्यू डाल देंगे, फिर ए में बी की डाल देंगे और बी में टेम्प वाली डाल देंगे, दोनों ए बी की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। ये एस्ट्रिक लगा के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंटर्स हैं, हम मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको टारगेट करना चाहते हैं। यहाँ पे मेमोरी एड्रेस आया होगा ए और बी में, इसलिए उनसे पहले एस्ट्रिक लगा रहे हैं ताकि उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकें। सिंपल, इस स्वैप वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं मेन वाले में कि हमने जब मेन फंक्शन बनाया तो हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू ली 10 और 20, उन दोनों को प्रिंट कराया मैंने, फिर स्वैप फंक्शन कॉल किया एंड ए एंड बी से, क्योंकि हमने पॉइंटर्स लिए हैं ऊपर, क्योंकि इसलिए हमें पता है मेमोरी एड्रेस पास होंगे, इसलिए एंड ए से ए का मेमोरी एड्रेस पास किया, एंड बी से बी का मेमोरी एड्रेस पास किया, और ये फंक्शन कॉल होने के बाद हमने ए और बी की वैल्यू फिर से प्रिंट करा ली। हमारा प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, पहले थी वैल्यू 10 और 20 और प्रोग्राम कॉल होने के बाद फंक्शन खत्म होने के बाद क्या वैल्यूज आई, 20 और 10 वैल्यूज एक्सचेंज हो गई। अब इसमें क्या देखने वाली बात यह है कि अब देखो, सपोज करो ये पॉइंटर्स नहीं होते, वैसे मैं ये कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस वाला ही पार्ट समझा रहा हूँ दोबारा एक तरीके से, अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको क्लिक हो गया हो कि भाई ये क्या है। ठीक है, एक सेकेंड दो, अब देखो ये बेसिकली वही वाला कंसेप्ट है, दोबारा देखते हैं। अब देखो जब मैं पॉइंटर्स के थ्रू फंक्शंस बना रहा था, मेमोरी एड्रेस पास कर रहा था, तो क्या हो रहा था, ए बी की वैल्यू पहले 10 और 20 प्रिंट हो रही थी, फंक्शन कॉल होने के बाद 20 और 10 प्रिंट हो रही थी, क्योंकि वैल्यूज एक्सचेंज हो गई थी, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अब मैंने क्या किया, मैंने पॉइंटर्स की फॉर्म में फंक्शन नहीं बनाया, एक जनरल फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैं ए बी कॉल कर रहा हूँ और एक फंक्शन के अंदर ए बी की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ और फिर फंक्शन के बाहर आने के बाद फिर करा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको रन करूँगा तो देखना क्या होगा, पहले 10 और 20 जो ए और बी की वैल्यू थी वो प्रिंट कराई थी तो वो प्रिंट हो गई, फिर फंक्शन के अंदर मैंने ए बी की वैल्यू प्रिंट कराई है तो वो एक्सचेंज हो गई है, इसलिए 20 और 10 प्रिंट हो रही है, और जब मैं फंक्शन के बाहर आने के बाद दोबारा ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ तो वो 10 और 20 रही। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू में चेंज नहीं आया क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर उसको खेला है, ना कि उसकी मेमोरी लोकेशन को टारगेट करके चेंज किया। समझ आया, हम पॉइंटर्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम फंक्शंस के अंदर भी कुछ चेंज लाए तो वो बाहर विजिबल हो सके। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंटर्स की फॉर्म में जब हम यूज़ कर रहे थे तब फंक्शंस के अंदर चेंज आने पे फंक्शंस के बाहर भी शो हो रहा था। 1020 फंक्शन के बाहर 2010 बन गया स्वैप फंक्शन कॉल होने के बाद। ठीक है, ये आपको पॉइंटर्स फंक्शंस भी क्लियर होंगे, फंक्शंस का पॉइंटर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर्स यहाँ खत्म हो गया। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों की मदद करनी तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।